चोपड़ा कांड पर तृणमूल नेता शांतनु सेन ने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी लोग इस कांड में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, हर एक को पकड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी और दूसरे विरोधी पार्टियों को भी आड़े हाथों ले दिया। चोपड़ा में जो हुआ है, तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी और हमारा गवर्नमेंट इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पुलिस सुओ मोटो केस किया है, मेन एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया है, विक्टिम को पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बात यह है, पिछले 34 साल में बायमजू का सरकार का टाइम में इस स्टेट में ऐसे बहुत हादसा हुआ है, लेकिन कोई सीपीएम का लीडर को हमने नहीं देखा वो आके बोल रहे हैं कि ये गलत है और सीपीएम का जो एक्यूज है उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। और बीजेपी रूल आधा स्टेट जो है पूरा देश में वहाँ पर भी ऐसे हादसा होता रहता है, लेकिन बीजेपी के कोई लीडर को आगे आके हम लोग नहीं बोलना सुना है कि ये गलत है और अगर ये बीजेपी भी हुआ है तो इसको भी अरेस्ट करेगा। ये तृणमूल का सरकार का बंगाल में ऐसे हो सकता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जीरो टॉलरेंस टू सच एक्टिविटीज से बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI।